स्टूडेंट्स की लाइन है, कतार है, वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। कॉलेज गेट से स्टार्ट होकर अब रोड तक पहुंच चुका है और सारे लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। गला सूख रही होगी, धूप तेज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं खुद थक चुका हूँ और गला भी सूखने लगा है। NEET 2024 का पेपर है ये, आपको दिख रहा होगा आकाश की तरफ से वैन है और यहाँ से पानी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सारे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट है, देखिए पीछे आपको दिख भी रहा होगा और लगातार ये वर्क आकाश की तरफ से जारी है। सारे पेरेंट्स दिख रहे होंगे और चेहरे पे मुस्कान भी दिख रहे होंगे क्योंकि धूप ही इतना तेज है, गर्मी इतना ज़्यादा है। हम अभी मौजूद है JDOMS कॉलेज सेंटर पे, आपको दिख रहा होगा आकाश की तरफ से सर लोग हैं और यहाँ पर आकाश की तरफ से यूनिक पानी दिया जा रहा है। देख रहे होंगे आप लोग, धूप काफ़ी तेज है, गर्मी का मौसम है और सारे पेरेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। गला भी सूख रही होगी तो पानी लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है, कैसा स्माइल है आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए बात करते हैं भैया, कितना बॉटल अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप? 150। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से? पेरेंट्स ही बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सर कैसा लग रहा है ऐसा नीट काम गर्मी के दिन में? नहीं, अच्छी बात है, ये तो ज़रूरी है ना। और लोग ध्यान दे रहे हैं चूँकि भाई ये लोग स्टूडेंट से रिलेटेड रहते हैं। बिल्कुल सर, तो उस पर ध्यान है इन लोगों का, पेरेंट्स से लेकर सारा चीज़। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सर। और हमारे साथ आकाश के सर भी मौजूद है, सर से जानते हैं। सर क्या कुछ कर रहे हैं सर यहाँ पर? हम लोग करने के लिए तो बच्चों के साथ पिछले 2 साल से या 1 साल से लगे ही हुए हैं जी। इनफैक्ट यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम लॉन्ग ड्यूरेशन या क्लासरूम कोर्सेज वाले ही बच्चे हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और मेरा बेसिक काम यहाँ पे ये है कि गार्जियन स्टूडेंट्स इस गर्मी में प्रॉपरली एग्ज़ाम में सपोर्ट कर पाए या बच्चे एग्ज़ाम दे पाए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे गार्जियंस को, सारे स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि उनको मोटिवेट करके रखें। बिकॉज कौन से सेंटर पर आपकी बेटी है? सर जो बोरिंग रोड में है, बोरिंग रोड मेडिकल राजापुर पुल के पास, राइट। रिपीटर बैच की स्टूडेंट है, ड्रॉपर है सर। और 12th कहाँ से किया था सर? 12th किया सर DAV महाराजगंज सिवान से। अच्छा, आप सिवान से हैं? जी जी। तो अभी आप सिवान से आ रहे हैं कि आप पटना ही रहते हैं? यहीं पे पढ़ते हैं दोनों बच्चे। ओके, और तैयारी कैसा है बेटी का? टेंशन में है? टेंशन में तो थी, लेकिन मैंने उसको समझाया कि ये जिंदगी का परीक्षा है और आप लोग तैयारी बढ़िया से कराए हैं, कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। सर मतलब स्टूडेंट इज सैटिस्फाइड विद द प्रिपरेशन फ्रॉम आकाश और नॉट? बोल तो रही है सर। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड डिफेंस जैसी हूँ सर। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं सर? इंडियन नेवी से। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? और फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है। और टेस्ट सीरीज उन्होंने किया था यहाँ? पूरा थ्रोली किया। स्कोर कितना आ रहा था? 500 लगभग, 500। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार कितना आ जाएगी? आपके सेंटर वाले तो बता रहे थे 50+ लेके आएगी सर, कम से कम। मैंने उसको बोला है कि थोड़ा और जोड़ लगाओ कि 600 ला जाए। आ जाएगा सर, आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक सर। और हमारी तरफ से कुछ होता सर जरूर बताएंगे। बिल्कुल, बेटा भी है सर आपके पास? यहाँ ये चौराहा के पास जो नया खुला है ना। अच्छा, बोरिंग रोड इंजीनियरिंग में 11th में हो? 11th 12th कर रहे हैं वहाँ से। ओके, मतलब पूरा परिवार है? दोनों बच्चे, दोनों यहीं पे। मतलब आप सेटिस्फाइड है हमारे आकाश से? बिल्कुल, मैंने पूरा सर्वे किया जी और फिर मुझे लगा कि उतना अगर मेरे में क्षमता नहीं है तो किसी और हाथ में सौंपा जाए जहाँ पे कि बच्चों का भविष्य बढ़िया रहे सर। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा बना के ही उनको निकालेंगे। जरूर सर, जरूर सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। एक और से मिलवाते हैं आपको, ये हमारे मित्र भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। सर की स्टूडेंट बेली रोड सेंटर पे, बेटी से बेली रोड सेंटर पे है और इस बार एग्जाम देने आई हुई है? नहीं, इस अगले बार वो एग्जाम। तो अभी आप यहाँ? हमारी एक बच्ची है वो एग्जाम दे रही है, भतीजी है वो। ओके, भतीजी का एग्जाम दिलवाना है? हाँ हाँ बिल्कुल। तैयारी कैसा है? अब तो वो लोग बताएगा किस तरह से तैयारी किया, वो तो एग्जाम देकर जब निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा किस तरह की तैयारी है, राइट। और खास करके आकाश इंस्टीट्यूट का, एक तो मेरा बच्चा वहाँ पे अभी है 12th में है, और उसी के हेल्प से भी तैयारी की है एक तरह से समझिए। हाँ, और इधर उधर से करके। और मतलब अभी कितना आ रहा है? टेस्ट सीरीज दी थी?
हाँ टेस्ट दी थी वही अराउंड 610-620 इस तरह से आ रहा है। अरे मुबारक हो सर, तब तो इस बार हो जाएगा। अब आप लोग होप सो कि आप लोग का नहीं होगा सर, होगा सर, बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। दिस इज़ अ ड्यूटी फॉर अस, नॉट मीन्स इस किसी तरह का एहसान नहीं है। क्या फीडबैक मिल रहा है सर? अरे दे आर जेन्युइनली वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस, राइट? पीपल कम हियर टू कलेक्ट, टू गिव देम देयर ब्रोशर्स एंड ऑल, वी आर कमिंग हियर जस्ट टू गिव देम वाटर, राइट? ऑब्वियसली वी आर गिविंग देम अ ब्रोशर, बट दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग देयर काउंसलिंग डेट्स और द रिजल्ट नोन। लाइक ये अगर आप बुकलेट देखेंगे तो इसमें हम 4 QR कोड दे रहे हैं, जिसमें से एक QR कोड सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आंसर की है। ओके सर, सामने इस पे आंसर की आपको दिख जाएगा, बच्चा इस पे आंसर की अपना चेक कर सकता है कि उनका स्कोर क्या आ रहा है। ओके, उसके बाद काउंसलिंग में गाइडेंस कैसे होगा, काउंसलिंग में हम क्या हेल्प करने वाले हैं, काउंसलिंग हम कैसे कर होगा, नीट के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरा यहाँ पे है। उसके बाद स्टेट वाइज मेडिकल काउंसलिंग कैसे होती है, वो भी हम इनको समझा रहे हैं यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपके लिए एप्लीकेबल है, वो जानने के लिए हम एक QR कोड दे रहे हैं। ये चारों QR कोड किसी भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? आफ्टर द एग्जाम, सो वी आर सपोर्टिंग फर्स्ट लाइक दिस एंड देन ऑब्वियसली वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। मैंने भी पानी पिया आकाश का, अच्छा लगा, और मैंने सारे पेरेंट्स से मतलब कि किसी किसी फीडबैक भी लिया, उनको भी अच्छा लग रहा है। सारे लोगों के चेहरे पे एक अलग सा मुस्कान है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पानी जल ही जीवन है। एंड दिस इज अ फेस्टिवल, यू नो फॉर स्टूडेंट्स दे शुड अंडरस्टैंड कि ये एक फेस्टिवल है। नीट एग्जाम क्लियर करना उनके लिए एक त्यौहार से कम नहीं होना चाहिए, और नीट एग्जाम में बैठना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, डिमांड है बच्चों का कि नहीं मैं नीट एग्जाम में बैठूंगा। वन ऑफ दी टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, एंड अपियरिंग इन इट एंड क्वालिफाइंग नीट एग्जाम्स बिकम्स अ वेरी बिग क्राइटेरिया फॉर अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट इज मेरिटोरियस, राइट? एंड उसके अलावा क्या कहें, वी आर डूइंग आवर जॉब, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर जॉब, ठीक है? माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स सर।